seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago hi everyone welcome to my channel maha khan vlog and welcome back my another vlog assalamualaikum i hope you all are fine i am also alhamdulillah i am goldmark mall और आप लोग इसकी लोकेशन मुझसे पूछ रहे थे तो ये डिफेंस फेज़ वन में है और ये दो मॉल है गोल्ड मार्क वन और गोल्ड मार्क टू तो आप देखें कि मैंने बाहर से भी आपको इसकी लोकेशन दिखा दी है और आज वेदर इतना खूबसूरत है ये इतनी हसीन शाम है आप बादल देखें ओ माय गॉड ऐसा फील हो रहा है कि कराची में सर्दियों की इन आमद आमद है कितनी हसीन शाम में बस यूं ही दिल किया कि आज अपने लिए विंटर की शॉपिंग की जाए मैं आपको दिखा रही हूँ ना गाइस कितना खूबसूरत शाम है ये और शाम हो हसीन और फिर शॉपिंग हो तो क्या ही बात है तो मैं आज आई थी गोलमार्क शॉपिंग करने के लिए अपने विंटर क्लोथ के लिए यहाँ पर गाइस हर तरह के कपड़े की शॉप्स हैं आपको अगर वेलवेट चाहिए या आपको कॉटन चाहिए या नेट चाहिए या ऑर्गेन्ज़ा किसी भी किस्म का लीलन आपको चाहिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त शॉप्स हैं और यहां पर कपड़े की बहुत ज्यादा वैरायटी है यहां पर आपको रेडीमेड सूट भी मिल जाएंगे और अगर आप कपड़ा लेके बनाना चाहें तो आपको हर किस्म का कपड़ा यहाँ पर दस्तियाब है आपको यहाँ डिजाइनर वेयर भी मिल जाएगा और डिजाइनर रेप्लिकास भी आपको मिल जाएंगे और थान वाले कपड़ों की तो ह्यूज वैरायटी है यहाँ पे आपको शीशे के काम के पूरे पूरे सूट तैयार यहाँ पर मिल जाएंगे नेट के सूट पूरे पूरे तैयार जैसे आप ये सूट देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है इसके अंदर मुझे अपने लिए चुंदरी का कपड़ा लेना था और ये मैं देख रही थी आप देख लें ये ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला और इसका बॉर्डर जो है दोनों का आतिशी कलर का है और ग्रीन वाला मेरी सिस्टर को पसंद आया था और ऑरेंज वाला मैंने अपने लिए बाय किया है इसके अलावा मुझे ये ब्लैक प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था और रेड कंट्रास्ट के साथ ये मैं देख रही थी और इसके ऊपर शीशे का वर्क था बहुत ज्यादा खूबसूरत कपड़ा था ये फिलहाल मुझे विंटर के लिए सिंपल सूट चाहिए थे और मुझे ये लीलन बहुत पसंद आया था चुंदरी वाला तो बस मेरा इस पर थोड़ा सा दिल आ गया था हॉट सिस्टर को भी पसंद आ गया था तो हम दोनों ने ये पसंद किया साल में तीन चार चक्कर तो यहाँ के लग ही जाते हैं और मैं इसी शॉप से हमेशा एक कपड़ा लेती हूँ क्योंकि इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होती है ऐसा ऐसा कपड़ा और नया नया कपड़ा इनके पास होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ और बहुत ज़बरदस्त ये ब्लैक वाला आप देख रहे हैं मैंने ये भी लीलन में है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कंट्रास्ट वाइट एंड ब्लैक का मैंने ये भी इनसे लिया और बहुत खूबसूरत प्रिंट के कपड़े होते हैं इनके पास डिस सोबर और अगर आपको भड़कीले चाहिए कलरफुल चाहिए तो वो भी इनके पास मिलेंगे ये ब्लू वाला भी मैंने लिया इसके साथ डार्क ब्लैक या नेवी ब्लू टाइप का कंट्रास्ट था बहुत खूबसूरत ये लीलन के सूट थे अच्छा मैंने ये सारे सूटों में थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है क्योंकि मैंने ये सारी शर्ट पीस ली इनके पास और इनके पास से मैंने लिया है विंटर कॉटन वो मैंने ट्राउजर के लिए खरीदा है तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा लगता है आजकल जो नाइन्टीज़ का फैशन चला हुआ है कि वन पीस के अंदर शलवार भी कैरी करो आप या ट्राउज़र कैरी करो और शर्ट कैरी करो उसके साथ अच्छा एक ही कपड़े के साथ तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता बहुत ज्यादा भरा भरा लगता है तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद वो डिजाइन किसी भी डिजाइन में इनफादियत नहीं आती मजा नहीं आता और सिंपल उसके साथ दुपट्टे तो दुपट्टा भी आप भरावा ले लें सिंपल दुपट्टा रखने की क्या जरूरत है जब तो हमको कहीं कुछ ना कुछ सिंपल रखना ही है तो फिर ट्राउजर सिंपल होने चाहिए और दुपट्टे सिंपल होने चाहिए ताकि शर्ट जितनी भी डिजाइनिंग वाली हो खूबसूरत हो एम्ब्रॉयडरी वाली हो कुछ भी हो वो यूनिक लगे वो अच्छी लगे वो डिसेंट लगे वो प्रिटी लगे तो बस मेरा मेरी थिंकिंग तो यही है आप मुझे बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके कि जो भी फैशन चलता है लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं ये अक्लमंदी नहीं है आपके ऊपर जो अच्छा लगता है आप वो कैरी करें ये मेरी नज़दीक अक्लमंदी है वन पीस सूट को कोई पूछता नहीं था और अभी फैशन के ये अंदर ये इतना इन है कि इसे फैशन कहते हैं लोग अभी का फैशन बिल्कुल लेटेस्ट फैशन और पहले के लोगों को देख के कहते थे ये तो आउट ऑफ फैशन था ये क्या था ये तो ओल्ड फैशन था तो ये किस किस्म का फैशन था पहले के लोगों को इतनी अकल नहीं होती थी और अभी 20-30 साल के बाद हम सब वही काम करने में लगे हुए हैं खैर अपनी अपनी थिंकिंग है जो जैसा कैरी करना चाहे जिसपे जो चीज़ सूट करे उसे वो जरूर कैरी करना चाहिए गाइस तो फैशन तो आता जाता रहता है हमें अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए हमें इतना सेंस होना चाहिए कि हम पे क्या चीज अच्छी लगेगी और क्या चीज़ बुरी लगेगी इतना सेंस तो हमें होना चाहिए ये मैं आपको चुनरी का सूट दिखा रही थी जो मैं शर्ट लेकर आई थी शर्ट पीस बहुत ख़ूबसूरत और ये ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट और ये ऑरेंज के साथ आतिशी और वाइट का कंट्रास्ट थोड़ा सा हाफ वाइट टाइप का था ये और बहुत ही खूबसूरत शर्ट पीस थे ये लीलन था और सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है ये बहुत ज़्यादा मोटा लीलन नहीं था लेकिन अच्छा लीलन था आज मेरी प्यारी प्यारी बहनों को ये ब्लॉक बहुत पसंद आएगा क्योंकि लड़कियां बहुत क्रेजी होती हैं शॉपिंग के मामले में और जहां बात कपड़ों की हो रही हो तो फिर तो बस वो क्रेजी हो जाती है और बहुत ज्यादा कपड़े बनाने के बावजूद हर लड़की का दिल यही करता है कि आज मुझे नया जोड़ा चाहिए और जहाँ कहीं जाना हो तो फिर तो जोड़े आपके पास ख़त्म ही समझे आप कोई जोड़ा नहीं होता जो हमें कहीं दावत में जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो हमारे तो हमारे पास एक जोड़ा भी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो सारे जोड़े जो होते हैं जो हम बनाते रहते हैं वो हम पहनते रहते हैं तो बस एक दफ़ा जोड़ा आपने पहन लिया तो आपका दिल भर गया फिर तो उसकी वो कोई वैल्यू ही नहीं रही मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है उस पर मम्मा का कहना ये होता है तु ना जाओ तु बैठ जाओ कोने विच <laughs> क्योंकि मम्माओं का यही होता है जब उनको तंजिया जुमले मारने हो ना जब दिल खोल के बेजती करने हो मेरी तो वो इसी तरह के जुमले बोलती हैं और वो पंजाबी बहुत अच्छा बोलती हैं वो सिंधी बहुत अच्छा बोलती हैं कभी कभी तो पश्तों में भी सुना देती हैं तो ये हमारे पास चलता रहता है क्योंकि मेरी दो तीन आंटीज पंजाबी हैं तो वो बहुत आपस में बातें करती रहती हैं तो उनकी पंजाबी भी बहुत अच्छी हो गई है तो इसी तरह के ना रख रख के जुमले मारती हैं अब इतने बड़े हो गए मार तो सकती नहीं है लेकिन खैर मम्मा तो किसी भी उम्र में मार सकती हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन जुमले बड़े ज़बरदस्त मारती हैं कि हम शर्मिंदा ही हो जाते हैं कि वाकई यार कितने सारे जोड़े बना बना के देती हैं मम्मा इतना ख्याल कर दी हैं और हर दफ़ा हमारे पास यही सुनने को मिलता है यहाँ जाना है तो हमें नया जोड़ा चाहिए तो जाहिर सी बात है अगला बंदा भी थोड़ा सा परेशान हो ही जाता है खैर ये ज़िंदगी हमें उन्हें परेशान करने के लिए ही मिली है <laughs> और हम लोग ऐसा करके बहुत प्राउड महसूस करते हैं मैं तो समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है आपको थोड़ा सा तो परेशान रखना चाहिए अपने घर वालों को कोई बात नहीं है आप लोग जब इतनी केयर करते हैं तो थोड़ा सा परेशान होने का मोमेंट उनका बनता है ना यार हर चीज इंसान में परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना अब ये हमारा शौक है ये जुनून है अच्छा ये मैं आपको ट्राउजर का कपड़ा दिखा रही थी हाफ़ वाइट कलर का और ये प्योर कॉटन था विंटर कॉटन था ये और बहुत अच्छा इसका फैब्रिक था बहुत ज़बरदस्त बहुत सॉफ्ट बहुत मुलायम तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था अच्छा मैंने इसको ले लिया था ऑरेंज के लिए उसमें थोड़ा हाफ वाइट टच है और ये उसके साथ बहुत ज़बरदस्त जाएगा आप देखिएगा मैं आपको रख के दिखाऊंगी आपको जब समझ में आएगा बहुत खूबसूरत था ये अच्छा मैं लेने गई थी कम से कम तीन से चार जोड़े और मैंने कितने सारे जोड़े लिए हैं आप देखिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि वाकई लड़कियों को मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता इस मामले में कि कपड़े बनाने हो तो उन्होंने तो बदल खोल के ही बनाने हैं तो वैसे अब ऐसी भी बात नहीं है तीन महीने तो कम से कम सर्दी रहेगी अब सर्दी में तो बंदा थोड़ा सा इन्जॉय करे ना थोड़ा सा खुश रखे अपने आप को चिल रखे और ये मैं लेकर आई थी ब्लैक एंड वाइट के लिए और ये वाइट ट्राउजर था और इसका भी फैब्रिक जो है वो कॉटन है विंटर कॉटन और मुझे कॉटन बहुत सूट करता है पता नहीं क्यों पर मैं हमेशा कॉटन ही लेना पसंद करती हूँ मुझे कॉटन बहुत ज़्यादा पसंद है मैं तो इसके पूरे पूरे सूट भी बना लेती हूँ और किसी भी किस्म की लेस ले लें आप उसके साथ कुछ भी ऐड कर दें कोई अच्छे से आप उसके ऊपर टसल ऐड कर दें कुछ भी कर दें डिज़ाइनिंग किसी भी किस्म की आप कर सकते हैं या उसे बहुत अच्छा सिलवा सकते हैं किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग करके इसे वेयर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डीसेंट इसका लुक आता है ओ माय गॉड और इसमें कलर आप ये देखें पिंक कलर का ये पिंक कलर का ट्राउज़र मैं लेकर आई थी और मुझे बस देखते ही पसंद आ गया था ये भी कॉटन है प्योर कॉटन है बस मुझे देखते ही बस मैंने ओके कर दिया कि बस ये कलर तो मैंने लेना ही लेना है जबकि मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने ऐसे ही ये ट्राउजर ले लिया था कैजुअल के लिए कि मैं इसे किसी भी सूट के साथ वेयर कर सकती हूँ मैचिंग करके तो मुझे बहुत मतलब ये पिंक कलर पे तो मेरा दिल आ जाता है वाइट पे पिंक पे और ग्रे कलर पे और देखें कितना मुलायम कॉटन है ये बहुत ज़्यादा हसीन आप लोग जो भी कॉटन पहनते हैं वो अंदाज़ा लगाएंगे कि कॉटन कितना वैल्यूएबल होता है मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है वो लोग लीलन पसंद करते हैं लेकिन मुझे लीलन से ज़्यादा कॉटन पसंद है तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोगों ने विंटर की शॉपिंग शुरू कर दी है या सिर्फ मैं ही कर रही हूँ <laughs> नहीं वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सब ने विंटर की शॉपिंग शुरू कर दी है अच्छा ये मैं कॉटन आपको दिखा रही थी ये प्रिंटेड कॉटन है पता नहीं इससे कैमरा जस्टिफाई करे ना करे सही से और ये प्रिंट था इसके ऊपर ना बहुत जो आजकल चल रहा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था अच्छा ये मैंने ब्लैक एंड वाइट के साथ लिया था ये कॉटन आप देखें ये ट्राउज़र का कपड़ा और बहुत ज़्यादा मतलब प्रिंट था इसके ऊपर बना हुआ बहुत बारीक बारीक सा प्रिंट था ये देखें आप लोग बारीक बारीक दिख रहा होगा आपको तो कैमरे ने कैप्चर कर लिया है तो <laughs> कैमरा कभी कभी ना वो चीज़ कैप्चर भी सही तरीके से नहीं कर पाता पता नहीं क्या बात है जो हमारी आंखें जो वाकई अल्लाह ताला ने इतनी हसीन नेमत अता की है हमें शुक्र अलहमदिल्ला कि क्या क्या नज़र आता है और क्या क्या हम देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त बात है तो ये मैं इसके लिए लाई थी इस पर भी बारीक बारिक, -बारिक सब प्रिंट था और कुड़... शर्ट के ऊपर भी पत्तों वाला प्रिंट है तो उसके ऊपर भी पत्ते बने हुए थे बारीक बारीक लाइनिंग बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सेम टू सेम था और जब मैं इसको बनाऊंगी और अपने टेलर को दूंगी इससे और लेसेस दूंगी इसके साथ बहुत खूबसूरत बनाऊंगी बनवाऊंगी तो बहुत हसीन लगेगा ये मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी कि मैंने इसे किस तरीके से बनवाया है तो बहुत जल्द और ये देखिए औरेंज के साथ मैंने हावर्ट ट्राउज़र रख दिया है बहुत खूबसूरत लग रहा था वो और ये मैंने सिंपल वाइट इस ब्लू के साथ लिया था अच्छा मैं इसके साथ ब्लैक सोच रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो ये वाइट मुझे अच्छा लगा इसके साथ कि खाली बॉर्डर आएगा और नीचे सिंपल वाइट ट्राउज़र ट्राउज़र आएगा तो बहुत हसीन लग रहा था ये सिंपल ट्राउज़र था और बहुत खूबसूरत लग रहा था इसके साथ अब ये देखें आप मेरे तीन सूट तैयार हो गए हैं और बस मुझे इनके लिए अपने दुपट्टे लेने हैं और बस ये मेरे कंप्लीट हो जाएंगे सूट और बस मुझे ये टेलर को देने हैं और जल्दी से इनको सिलवा लेना है क्योंकि विंटर के लिए मुझे घर में कैजुअल ऐसे ही सूट चाहिए थे जो कैजुअल हो और अच्छे भी लगे देखने के अंदर प्रिंटेड भी हो और प्लेन भी हो और इसके अंदर लेसेस लग जाएंगी तो और खूबसूरत तरीके से इनको मैं डिज़ाइन करवाऊंगी तो जाहिर सी बात है खूबसूरत हो जाएंगे ये और मज़ीद तो ये मेरे तीन सूट तो तैयार हैं आप देख लें इन्हें अच्छा मैं ट्राउज़र का कपड़ा जो लेकर आई थी वो मैं दो तीन कलर और मजीद लेकर आई थी जैसे मैं हाफ वाइट लेकर आई थी जैसे मैं पिंक लेकर आई थी मैं एस्ट्रा लेकर आई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कपड़ा बहुत अच्छा है और मुझे इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैंने उठा लिया था ये मेरे पास कोई मैचिंग नहीं थी लेकिन ट्राउजर बने हुए हो तो आप उस पर कभी ना कभी वेयर कर देते हैं अच्छा ये है, मैं आतिशी कपड़ा भी लेकर आई थी ट्राउजर का ये आप देखें और मेरी सिस्टर ने मुझे अचानक मशवरा दिया ये तो इसके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आप हाफ हाफ़ वर्ट के चक्कर में नहीं पड़ो हाफ़ वर्ट थोड़ा और सिंपल हो जाएगा ये आतिशी के साथ ऑरेंज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा और यूनिक भी होगा तो आप ये ट्राई करो मैंने कहा हाँ देखने में तो बहुत हसीन लग रहा है मैंने लिया इसी के लिए था पर मेरे जहन में वही था थोड़ा सिंपल सिंपल तो मैंने कहा हाफ़ वर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा कैजुअल के लिए पर मेरी सिस्टर ने कहा नहीं आप ये ट्राई करो तो बस मैंने जब इसे रख के देखा तो मेरा भी दिल आ गया इसके ऊपर और बस मैंने इसे ओके करा मैं आप ये आतिशी ट्राउज़र इसके साथ बनाऊंगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगा हाफ वाइट तो किसी और के साथ भी चल जाएगा मैं ट्राउज़र बहुत ज़्यादा कैरी करती हूँ तो मैं वो लेती रहती हूँ कोई टेंशन नहीं है ट्राउज़र्स तो चलते रहते हैं आपको पता है जितने हों उतने कम है तो बस बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉम्बिनेशन और ये मैं पिंग आपको दिखाया था मैंने ये भी मैं एस्ट्रा ही लेकर आई थी अभी जब मैं कोई सूट इस वो कोई शर्ट इसके ऊपर लेकर आऊंगी तो आपके साथ जरूर इसे शेयर करूंगी तो ये मेरे तीन सूट्स तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे ये तीन सूट बहुत खूबसूरत सेट हो गए हैं अच्छा ये मैं मज़ीद आपको दिखा रही हूँ ये हाफ वाइट में मैं प्लेन कॉटन का एक सूट और एक ट्राउज़र लेकर आई थी ये कपड़ा आप देखें कितना ज़्यादा है और मुझे ये कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसे फौरन ले लिया मैंने कहा नहीं ये बार बार मतलब कॉटन आपको हर दफ़ा अच्छा नहीं मिलता आपको कॉटन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है और ये मैं एक शर्ट पीस लेकर आई थी ये शर्ट पीस है प्लेन भी है और इसका दामन जो है थोड़ा कलरफुल है और इसकी बैक कलरफुल है और कंट्रास्ट में है इसकी बैक और ये जैटॉक का है और बहुत खूबसूरत ये शर्ट पीस था मुझे देखते ही पसंद आ गया बहुत जबरदस्त इसमें कलर थे ऑरेंज था आतिशी था ब्लैक था हाफ वाइट था ग्रीन था तो मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा ये और मैंने इसे फॉरन बाय किया और जो मैं सूट लेकर आई हूँ कॉटन का प्लेन हाफ वाइट उसी के अंदर इसका ट्राउजर है एक ट्राउजर मैस्ट्रा लेकर आई थी तो ये तो ये इसी के साथ मैच हो जाएगा और बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन था ये हाफ वाइट रेड ऑरेंज आतिशी बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन था ये मुझे बहुत डिसेंट और बहुत यूनिक लगा तो मैंने इसे बाय किया ये इसका मैं आपको दामन दिखा रही हूँ और बहुत हसीन दामन था और लाइनिंग तो आपको पता है कितना फैशन के अंदर इन है पूरा सूट सिंपल हो और दामन थोड़ा कलरफुल हो आस्तीन कलरफुल हो तो वो बहुत डिसेंट और बहुत खूबसूरत लगता है इसके साथ शैफून का दुपट्टा था प्रिंटेड वो मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर सकी इसके साथ या क्लिप मुझसे मिस हो गया है पता नहीं चले मैं चेक करूँगी और आपके साथ ज़रूर जब ये सूट सिल कर आ जाएगा मेरे टेलर के पास से तो मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगी अच्छा इसका बैग जो था प्लेन था जैकार्ड का था और बहुत ख़ूबसूरत इस पर लाइनिंग थी आप देखें कितना हसीन इसका बैग था और बहुत डिसेंट और बहुत ख़ूबसूरत ये सूट है तो ये मेरा चौथा सूट है और माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह और आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाएं और विंटर के कपड़े लें और उससे स्टिच करवाएं या सिले सिलाई ले लें ले 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 और रेडीमेड ले लें ले ले और ये छुंदरी वाली कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त फैशन में इन हैं आप लोग चाहें तो इन्हें वैसे भी ले के बनवा सकते हैं या किसी ब्रांड से भी उठा सकते हैं आप ब्रांड पे आप देखें कि टू मच एक्सपेंसिव हैं ये वहाँ पे और हम इसे इस तरह लेके भी बना सकते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि बहुत ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करें हम उसी पैसे के अंदर दूसरे सूट भी बना सकते हैं तो ये तो अक़ल बंदी की बात है जिसकी समझ में आ जाए उसका भला और जिसकी ना आए वो ब्रांड वालों का भला <laughs> जाहिर सी बात है हमें अपने पैसों को वैल्यू करना चाहिए और ये मैं आपको दूसरी शर्ट दिखा रही हूँ ये भी ज, ये भी चेकआउट की है और इसके ये आस्तीन है बहुत और ये फूलों वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है छोटे छोटे फूलों वाला तो बहुत खूबसूरत इसके ये आस्तीन है और ये सिर्फ आस्तीन के ऊपर है और जयकार्ड की ये शर्ट है और पूरा गोल्डन काम है सारा उसके ऊपर और ये इसका दामन है और ये ब्लू फ्रोजी टाइप का कलर है बहुत हसीन उसके साथ ग्रीन पैटर्न है उसका फूलों का पत्तों का डिज़ाइन बहुत, बहुत खूबसूरत है यूनिक है डिसेंट है और हाउ वाइट कलर है और हर किसी को ये कलर डिसेंट ही लगता है और बहुत सोबर और इसमें थोड़ा ब्राउन कलर भी है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये और इसके साथ मैंने आतिशी ट्राउज़र रखा है बहुत ज़बरदस्त इसके साथ कॉम्बिनेशन मैच हो रहा था ये तो मैंने इसी को रखा है ग्रीन मैं सोच रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ये ज़्यादा उठेगा हाफ वाइट के साथ मज़ेदार व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा गाइस अपने कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस आप लोग वॉच हैं आप लोग सब्सक्राइब इतना कम क्यों करते हैं कोई दिल खोल के कर दें आपका क्या जाएगा थोड़े से सब्सक्राइब मेरे मजीद बढ़ा दें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कॉमेंट्स करें शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी है भूलिएगा मत गाइज और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें अच्छा मेरी वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है ये प्लीज़ गाइस वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर किया कीजिए ये देखें ये मेरा छठा सूट है और ये ग्रे कलर का है और इस पे आतिशी और पिंक कलर का डिज़ाइन है और बहुत ज़बरदस्त कॉटन फैब्रिक है ये भी और इसके साथ मैंने सोचा है मैं आतिशी सलवार बनाऊंगी तो गाइस मैं कल मिलूंगी